देखो, कल हम लोगों ने हमारा दूसरी इकाई का पांचवा लेसन ईमानदारी की प्रतिमूर्ति लेखक सुनील शास्त्री जी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र है और एक कवि है, लेखक है, उनका जो संस्मरण है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये लेसन हम लोगों ने आधा पढ़ा था। पेज नंबर 71 पे जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था वो हुआ था। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था, ये हमारा पैराग्राफ हुआ था कल। उसके नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, अम्मा बताती है, सेकंड पैराग्राफ्स, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। कुल दो पैराग्राफ्स बचे हुए हैं हमारे। उसके बाद हम लोग इस पाठ के ऊपर जो स्वाध्याय है और भाषा बिंदु है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं। तो सभी छात्रों से मेरी विनती है कि वो हिंदी के नोटबुक और पेन अपने साथ ही रखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ ना कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी घाटा लगा था, किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। देखो, अभी ये जो तीसरा स्मरण है, यादें है बाबूजी के साथ सुनील जी की, तो वो तीसरी जो याद है वो चाचा जी को, जो सुनील जी के चाचा जी है, लेखक के जो चाचा जी है, उनके साथ जुड़ी हुई है। उनको जो गहने दिए है शास्त्री जी ने, तो वो किस प्रकार दिए थे और वो क्या इंसिडेंट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। देखो, तो वो याद ऐसी है कि अम्मा बताती है कि उस दिन जब वो बहादुरगंज के मकान में थे या वहां पे आए थे, तो उसके आने से पहले जब उनकी शादी हुई थी और शादी में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो उस चढ़ावे यानी शास्त्री जी ने शादी में अपनी पत्नी को चढ़ावे में सिर्फ 5 ग्राम के सोने के गहने दिए थे। देखो, उस टाइम की बात है जब वो पुलिस मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, और एक मंत्री के पत्नी को सिर्फ 5 ग्राम सोना देना बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात कहने का मतलब, आजकल तो लाखों करोड़ों के सोने, ये जो पॉलिटिशियन की जो शादी होती है, करोड़ों में शादी होती है, लेकिन उनकी अम्मा बताती है कि उनके शादी में उनको चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम ही सोना मिला था, बोले तो ना के बराबर ही मिला था। लेकिन वो जब विदा होकर रामनगर आई, यानी वो ससुराल जब आई, तो मुंह दिखाई में, जो मुंह दिखाई होती है एक रस्म होती है शादी के बाद, कि जो दुल्हन रहती है तो उस दुल्हन को मुंह दिखाने के टाइम उनके जो रिश्ते वाले होते हैं, नाते वाले होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो कुछ ना कुछ भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो उस टाइम पे उस टाइम पे कुछ ना कुछ लोगों ने उनको सोना दिया था या गिफ्ट दिए थे। लेकिन जब वो बहादुरगंज के मकान में आए, तो उसी टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ है उनके घर में कि शास्त्री जी के जो भाई है उनको कुछ बिजनेस में घाटा हुआ है, और उसका जो घाटा हुआ है उसका जो हर्जाना भरना है या घाटा भर के निकालना है, इसकी जिम्मेदारी शास्त्री जी पर आई है। देखो, एक बड़े मंत्री है, गृह मंत्री है, उनके पास उतना पैसा होना चाहिए था अगर हम लोग ऑल ओवर बात करें तो। लेकिन एक गृह मंत्री होकर भी शास्त्री जी के पास कुछ भी पैसे नहीं है। देखो,
और वो घाटा भरना है, और वो क्या घाटा है, कैसा है, किस तरह से उसको ये करना है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखो, एक दिन तुम्हारे बाबू जी ने एक दिन तुम्हारे बाबू जी ने दुनिया की मुसीबतें और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके, कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। देखो, उसके बाद क्या है कि बाबूजी को ये तो इंसिडेंट हुआ है कि उनके भाई यानी शास्त्री जी के भाई को, उनके चाचा जी को क्या हुआ है, बिजनेस में घाटा हुआ है, और उन्होंने पैसे की मांग किसको की है, शास्त्री जी को, तो उनके पास तो पैसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने क्या किया है, अपनी पत्नी को कुछ मदद मांगी है, उनकी उनसे गहने की मांग की है। देखो, तो कैसे मांग की है, देखो, एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतें और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए, क्या समझाया है कि देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मुसीबतें उनको है, और हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ मदद करेंगे तो उनकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, इस प्रकार उन्होंने कहा है। और वो कहने के बाद उन्होंने क्या किया है, उनकी पत्नी को गहनों की मांग की है। अब हमको तो मालूम है क्या हुआ है, पहले उनकी शादी में सिर्फ 5 ग्राम ही सोना उनको मिला है, लेकिन जब मुंह दिखाए है उसमें बहुत रिश्ते वालों ने उनको सोना दिया है, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने गहने मांगे तो उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई है, उनके पत्नी को, जाहिर सी बात है कोई भी महिला कोई भी औरत अपने जो गहने हैं सोने से बहुत लगाव रहता है, हाँ, महिलाओं को सोने से बहुत लगाव रहता है, और वो सोने के गहने ही मांग रहे हैं, और किसके लिए मांग रहे हैं, उनके भाई को बिजनेस में घाटा हुआ है और उनको वो पैसे देने हैं, इसीलिए वो गहने मांगे हैं, ठीक है, खुद के लिए नहीं मांगे हैं, या खुद को कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, इसके लिए नहीं मांगे, इसके लिए जो गहने हैं वो देने में हिचकिचाहट महसूस हुई है, ठीक है, लेकिन वो टाइम पे थोड़ी सी उन्होंने सोचा है, और सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो गहने हैं, अगर ये गहने देने से शास्त्री जी को प्रसन्नता होती है, उनके पति को प्रसन्नता होती है, तो वो उन्होंने गहने देने चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किए हैं, गहने दे दिए हैं। लेकिन क्या रखा है, सिर्फ टीका नथुनी और बिछिया, ये कुछ गहनों के नाम है। आपको प्रश्न भी है स्वाध्याय के अंदर, गहनों के नाम बताइए, तो देखो ये गहनों के नाम है, टीका नथुनी बिछिया, ये गहनों के नाम है। क्यों रखे हैं शास्त्री जी के पत्नी ने ये, क्योंकि वे सुहाग वाले गहने थे, ठीक है, वो तो गहने दे दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, दूसरे दिन उनसे रहा नहीं गया, किन किन से नहीं रहा गया, शास्त्री जी से, और उन्होंने क्या पूछा है, देखो दूसरे दिन से, और उनकी जो पीड़ा है वो उन्होंने कह डाली, क्या पीड़ा है, जब तुम मिर्जापुर जाओगी और लोग तुम्हें पूछेंगे कि ये जो गहने हैं तुमको हम लोगों ने गिफ्ट दिए थे वो कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, तो वो जवाब क्या दोगी, तो ठीक है, तो उसके बाद उनकी पत्नी ने उनसे हंसकर जवाब दिया है, हम मुस्कराए और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है, हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबू जी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है, तुम्हें आराम देना तो दूर
रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट दिन में, नेक्स्ट दिन जब शास्त्री जी ने उनसे कहा कि तुम जब मिर्जापुर जाओगे और लोग पूछेंगे कि इन्हें कहाँ है, गहने तो दिखाई नहीं देंगे, तो तुम क्या कहोगे? तो अम्मा जी ने क्या कहा है, मुस्करा के कहा है कि आप उसकी चिंता मत करो और हमने सोच लिया है। क्या सोच लिया है, क्या कहना है रिश्तेदार को? ये कहना है कि हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के दो मिनट का स्कूल में खोलिए। हाँ मैडम बोला। हाँ मैडम ते आवाज येत नव्हता ना मला, मी लॉग इन केलं होतं त्यामुळे फोन केले। हा हा संदीप सर, संदीप सर बोलतो। हा ठीक चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहने छोड़ दिए हैं। देखो उस वक्त जो प्रभाव था हमारे देश के ऊपर, गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। और गांधी जी का हमको मालूम ही है स्वभाव वैशिष्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादी रहनी और उच्च विचार। तो अगर सादी रहनी है तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने सोना पहनना छोड़ दिया था, और जो जो सूट बूट में रहते थे लोग वो खादी पहनने लगे हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक इंसिडेंट में देखा है कि शास्त्री जी ने क्या किया है, खादी का कपड़ा है फटा हुआ कुर्ता अपनी अम्मा अपने पत्नी को दिया है और उनको कहा है कि इसके आप रुमाल बनाओ। तो ये जो गांधी जी का जो एक प्रभाव था उस वक्त, तो उसके अनुसार बहुत लोगों ने गहने जो सोने के गहने हैं वो पहनने छोड़ दिए थे। तो वही सोचा है उनके पत्नी ने कि अगर कोई पूछ भी लेगा कि गहने दिखाई नहीं दे रहे, तो हम उसका उत्तर देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहने छोड़ दिए, इस पर कोई शंका भी नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद थोड़े से बाबूजी तरीक चुप रहे, फिर बोले कि तुम्हें यह बहुत तकलीफ है, मैं समझता हूँ, मैं तुम और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारा जो विवाह है वो एक अच्छे परिवार में हो सकता था, लेकिन जैसा है वैसा है। देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि एक राज्य के गृह मंत्री है, बड़ा पद है, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है कि जिससे वो अपने परिवार को अच्छी फैसिलिटी दे। ठीक है, इसीलिए देखो हमने तो देखा है इसके पहले बाबूजी खुद या शास्त्री जी खुद क्या करते हैं, खादी के जो फटे हुए कुर्ते हैं वो भी सिला के पहनते हैं। तो बहुत यानी ये बहुत ईमानदार ऐसे व्यक्तिमत्व है। और आगे कहते हैं कि मैं तो तुम्हें आराम देना तो दूर, लेकिन मैंने तुम्हारे जो बदन पे जो गहने हैं सोने के गहने हैं वो भी मैंने तुमसे छीने हैं। उसके आगे क्या कहते हैं, देखो हम बोली पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए, आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे, सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहेगा। और उसके आगे अम्मा कहती है कि आप असल में तो मेरा गहना क्या है, आप ही हो। देखो श्री का जो धन है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन है, पर जो असल गहना है वह तो है, इसके बारे में आपके विचार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो श्री रहती है उसका असल में जो गहना है वो पति को ही अपना असली गहना मानती है। ठीक है, और वो आगे कहती है कि जो आप हो वही मेरे असली गहना हो, ये जो सोने के गहने हैं ये कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखते, और जैसे ही दिन बीत जाएंगे, ये दिन ऐसे थोड़ी रहने वाले हैं, कभी सुख और ये दुख ये सदा ही रहने वाला है। इस प्रकार ये जो संस्मरण है, ये जो यादें है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील जी ने कहा है और लिखा है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट, पेज नंबर 72 के ऊपर हम लोग जाएंगे। आप
हिंदी की नोटबुक निकालो और पेन निकालो, हम लोग क्वेश्चन आंसर उसके देखेंगे क्योंकि अभी और आधा घंटा बचा है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 मैडम, आवाज देते हो मदर? हेलो 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 हेलो, एक मिनट, हाँ मैडम मी बोलतो, माझा आवाज येतो का तुम्हाला कसं समजेल बरं? कारण हा म्यूट अनम्यूट आहे, अनम्यूट नाही आहे मी। हा पण मी 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 बोलतोय तर विद्यार्थी काय त्याचा रिप्लाय देत नाही, कसं काय? हा हो 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 चालेल। चलो ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, संजाल पूर्ण कीजिए। देखो संजाल है, संजाल में देखो शास्त्री जी की स्वभाव विशेषताएं, तो आप ये क्वेश्चन लिख लो, शास्त्री जी की स्वभाव विशेषताएं, क्या क्या स्वभाव विशेषताएं है देखते हैं हम लोग। अब चलो चलो हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक दो तीन मिनट देंगे। ठीक है, क्या क्या स्वभाव विशेषताएं है देखते हैं। देखो ईमानदारी, सादगी, दूसरों की सहायता करना और सरलता, ये शास्त्री जी की स्वभाव विशेषताएं है। सर यू आर ऑडिबल audible to students, don't worry, carry on। ठीक है ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिख लो, दो मिनट देता हूं उसका आंसर लिख लो। शास्त्री जी की स्वभाव विशेषताएं, उत्तर लिखो ईमानदारी, सादगी, दूसरों की सहायता करना और सरलता, ये स्वभाव विशेषताएं शास्त्री जी के है। उन्होंने प्रति किलोमीटर 60 पैसे से पैसे भरने के लिए कहा, उससे हमें उनकी ईमानदारी पता चलती है। कुर्ता जो है वो फटा हुआ है, उनको सिला के वापस पहनना या फिर उसके रुमाल बनाना, ये उनसे सादगी प्रकट होती है उनकी। दूसरों को सहायता करना, अपने पत्नी के गहने अपने भाई को दे देना, ये इसे ये दूसरों को सहायता करने की विशेषता हमें समझ में आती है। और सरलता, ये भी उनकी स्वभाव विशेषताएं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम की ओर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, पेज नंबर 72 पे सब ये स्वाध्याय के क्वेश्चन, परिणाम लिखिए।
पहला क्वेश्चन है, सुबह 5:30-6 बजे दरवाजा खटखटाने का क्या परिणाम हुआ? और दूसरा क्वेश्चन है, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का क्या परिणाम हुआ? देखो पहला जो प्रश्न है उसका आंसर हम लोग देखते हैं, उसका आंसर है, आप चलो चलो लिखते जाओ, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 2-3 मिनट देता हूँ। सुबह 5:30-6 बजे दरवाजा खटखटाने का परिणाम ये हुआ कि नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज में बोलना। सुनील जी की क्या हुई है, लेखक की नींद टूटी है और वो बड़े आवाज में या तेज आवाज में, बड़ी तेज आवाज में वो बोलना उन्होंने स्टार्ट किया है। दूसरा परिणाम क्या हुआ है, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का, तो ये परिणाम हुआ है 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का जो परिणाम है, ये पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई को वहां रुक न सके, कमरे में जाकर देर तक फूट फूट कर रोते रहे। ये परिणाम अनिल और सुनील के ऊपर हुआ है। 1-2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आप लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर भी आपने लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 3, प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम, देखो कौन कौन से गहनों के नाम है। अभी आज के ही लेक्चर में हम लोगों ने नाम पढ़े हैं। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम, चढ़ावे के 5 ग्राम के सोने, हेलो 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 सोनम यादव, आप कुछ बोलना चाहते हो? सोनम यादव हेलो यस सर, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है ना बेटा, कुछ क्वेश्चन है आपके? ठीक है, आ रही है ना, आप लिख रहे हो ना? ओके, लिखो इस क्वेश्चन के आंसर। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम, चढ़ावे के 5 ग्राम के सोने के गहने, टीका, नथुनी, बिछिया। दो तीन मिनट देता हूँ, लिख लो फटाफट, आगे का क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लोग।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 है। वर्ण पहले से विलाम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए, ये क्वेश्चन है आप, ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या करना है, विलाम शब्द है, देखो अभी इसमें विलाम शब्द कौन से है, देखो ये तो उत्तर अगर मैं ये कर देता हूं, ठीक है, तो इसमें देखो दुख सुख विलोम शब्द, हम लोग जिसे क्या कहते हैं यमक, यमक बोलते हैं ना जैसे, दुख सुख एक एक शब्द है, बुरा भला दूसरा शब्द है, प्रसन्न अप्रसन्न तीसरा शब्द है, और सदुपयोग दुरुपयोग चौथा शब्द है, ठीक है। तो ये विलोम शब्दों की जोड़ियां आपको लिखनी है। क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन के आंसर लिखो। चलो ठीक है, अच्छा हुआ होगा आपका लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पर जो असल गहना है वह तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। क्या है भाव इसका अभिप्रेत? उत्तर में स्त्री के सोने चांदी हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं, ये गहने स्थाई नहीं होते। स्त्री का असली गहना तो उसका पति होता है जो जीवन भर उसका साथ निभाता है। क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन के आंसर लिखो। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, पाठ में प्रयुक्त परिमाणों की सूची तैयार कीजिए। परिमाण कौन कौन से परिणाम है, ग्राम किलोमीटर पैसे 5.5 पौने 6, दूसरा है पल मिनट बजे सप्ताह महीना, ये शब्द पाठ में प्रयुक्त हुए हैं परिणामों के बारे में। दो तीन मिनट में ये भी क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर लिखो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लिखा होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, पर शब्द के दो अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर शब्द का अर्थ क्या है, पहला तो अर्थ है पक्षी,
या पंख या फिर डैना, पक्षी का पंख भी कहते हैं हमें और डैना भी कहते हैं। और उसका वाक्य क्या है, गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। पर का दूसरा अर्थ है लेकिन परंतु, और उसका वाक्य है सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो दोनों जगह पे पर शब्द का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे पंख के बारे में और यहाँ किंतु परंतु के बारे में इसका अर्थ हुआ, अलग अलग अर्थ से शब्द आए हुए हैं। लिख लो क्वेश्चन, लिखो और उसका आंसर भी लिख लो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है अभिव्यक्ति के बारे में। प्रश्न है सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। देखो ये अभिव्यक्ति है, ये सोमत है आपका, ठीक है। आप इसमें आपके मन से आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के आंसर भी दिया है, आप लिख सकते हो, ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार, क्वेश्चन लिखो तो उसका आंसर भी लिखो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको 5 मिनट देंगे हम लोग। सादा जीवन उच्च विचार, इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, उत्तर में लिखा है संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपना जीवन का उद्देश्य मानते हैं, उनके लिए किसी भी तरह का धन दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। यानी भौतिक सुख सुविधा पैसे की इनको ज्यादा जरूरत नहीं होती। बोलो सादा जीवन उच्च विचार, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आगे देखते हैं हम लोग। संदीप सर, हाँ बोला। हाँ, जर का विद्यार्थ्यांनी हँड रेज केला आणि तुम्हाला जर काही प्रश्न तोंडी प्रश्न वगैरे उत्तर करायचे असतील तर त्या विद्यार्थी पार्टिसिपंट्स मध्ये जाऊन त्या विद्यार्थ्याला अनम्यूट तुम्ही करू शकता, ठीक आहे। एक मिनिट, आता हे कुठे जर हात हे केला असेल तर इकडे अनम्यूट करायचा। हा आणि तिथे एरो असतो ना ग्रे कलरचा, त्याच्यातून तुम्ही आस्क टू अनम्यूट करू शकता। बर बर बर, ठीक आहे। जर असेल तर, अदरवाइज तुम्ही काय गरज नाही, ठीक आहे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई थिंक आपने लिखा होगा ये क्वेश्चन, आंसर भाषा बिंदु पेज नंबर 73 पे ये क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के 73 पेज पे। ये क्वेश्चन है भाषा बिंदु का, निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरणों के नियम के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां है, यानी ये जो वाक्य दिए है इसमें 2 अशुद्धियां है, उसको शुद्ध करके हमको लिखना है। टोटल जो सेंटेंस है, वाक्य है वो 20 है, तो एक एक वाक्य हम लोग लिखेंगे उसको शुद्ध करके। देखो पहला जो है वो पहला वाक्य है, करामत अली गाय अपनी घर लाई। तो ये जो वाक्य है ये अशुद्ध वाक्य है, इसे हमें शुद्ध करना है। करामत अली गाय
अपनी नहीं, यहाँ पे शब्द जो है वो अपने होना चाहिए, अपने घर ले आए। देखो ये करामत आली ये क्या है, पुरुष है बराबर कि नहीं, तो ये स्त्रीवाचक है और ये पुरुषवाचक है, तो इसे हमें शुद्ध करके ऐसा लिखना है। देखो आंसर यहाँ पे लिखा है मैंने, करामत अली गाय अपने घर ले आए, शुद्ध वाक्य ये आपको दिया हुआ है, ठीक है लिख लो। दूसरा वाक्य है, उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी, ये अशुद्ध वाक्य है, तो उसे शुद्ध करके हमें लिखना है। उसने, तो उसने नहीं चाहिए, वहां पे क्या चाहिए, उसे गाय की पीठ पर डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे, यहाँ पे थी है, यहाँ पे थे लिखना जरूरी है, लिख लो दोनों वाक्य और शुद्ध करके भी लिखना है उसका आंसर। आई थिंक आपके दो वाक्य हुए होंगे, नेक्स्ट वाक्य के ऊपर रहते हैं हम लोग। तीसरा वाक्य हमारा है, करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी, सही करना है उसे, शुद्ध करके हमें लिखना है ऐसा। देखो आप, करामत अली ने रमजानी पर गाय के नहीं, यहाँ पे की होना चाहिए, के की जगह पे की ये शब्द होना चाहिए, देखभाल बराबर है का नहीं की, जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि गाय स्त्रीवाचक शब्द है ना, स्त्रीलिंगी शब्द है, तो यहाँ पे की ये शब्द आएगा। करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी, ये शुद्ध करके हमें लिखना है। लिखो तीसरा वाक्य भी, हर एक वाक्य के लिए हम लोग दो दो मिनट देंगे, कुल 20 वाक्य है और उसके बाद उपयोजित लेखन है, कहानी लेखन वो भी हमें देखना है। अगर स्पीड से चल रहा है, मैं स्पीड से ले रहा हूँ, तो आप चालू चालू में आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपना 4 नंबर का जो वाक्य है वो है, आचार्य अपनी शिष्यों को मिलना चाहते थे, तो शुद्ध करके वाक्य लिखना है हमें, आचार्य अपनी नहीं अपने शिष्यों, ये एक वचन नहीं है अनेक वचन है, इसलिए अपने शिष्यों को नहीं से मिलना चाहते थे, ये शुद्ध करके लिखा है। ये जो कोई जो ब्लू कलर का लिखा है ना, जो शब्द लिखे है ना मैंने, वो शुद्ध करके लिखे है वाक्य के अंदर, यहाँ पे जो अशुद्धियां है वो शुद्ध करके यहाँ पे मैंने लिखी है। 4 नंबर का वाक्य लिखो और शुद्ध करके भी वाक्य लिखो आंसर में। उसके बाद अपना 5वां वाक्य है,
पांचवा वाक्य है, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है। ये वाक्य है तो शुद्ध करके हमें लिखना है, घर में तख्ते के जगह तख्ता लिखना है, रखे जाने की हेलो बोलिए हेलो अब बोला बेटा बोला हाँ लक्ष्मी हेलो 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 सर हाँ बोला लक्ष्मी मिन्नो पांचवा वाला ना एक डाउट हो रहा है कौन सा फिफ्थ वाला घर में तख्ते के देखो घर में तख्ता रखे जाने की आवाज आती है। देखो ये जो के है ना ये अशुद्ध है ना, तख्ते के रखे जाने की आवाज आता है तो आती है, तख्ता ये पुल्लिंगी शब्द है बराबर ना, इसीलिए ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप पे सेंड करने वाला हूँ, आपको मिल जाएगी अगर आप स्पीड में नहीं लिखते हो, कुछ बाकी है ठीक है। सिक्स नंबर का लिखो उसके बाद वाक्य, लड़के के तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कोई कहना चाहा। शुद्ध करके लिखना है, लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। सात नंबर का वाक्य, शीर्षन को कोई लड़का बाला नहीं थे, शीर्षन को कोई लड़का बाला नहीं थे। शुद्ध वाक्य लिखो, शीर्षन को कोई बाल बच्चा नहीं था। हम लोग लड़का बाला नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, बाल बच्चा बोलते हैं, बराबर कि नहीं। शीर्षन को कोई बाल बच्चा नहीं था, ये शुद्ध करके वाक्य लिखना है आपको। आठ नंबर का वाक्य है, लक्ष्मी की एक जुबेदार पूछ था, लक्ष्मी की एक जुबेदार पूछ था। शुद्ध करके वाक्य लिखना है, लक्ष्मी की एक जुबेदार पूछ थी। उसके बाद का वाक्य है नाइन नंबर, कन्हैया लाल मिश्र जी बिड़ला के पुस्तक को पढ़ने लगे। शुद्ध करके लिखना है, देखो इसमें मैं मुझे ये की मिले है, अगर आपको किसी को पता है सेकंड शुद्धि तो आप मुझे बता दो। कन्हैया मिश्र जी बिड़ला के पुस्तक को पढ़ने लगे, कन्हैया मिश्र जी बिड़ला की के नहीं, की एक ही पुस्तक है ना, की पुस्तक पढ़ने लगे, यहाँ पे एक शुद्ध पुस्तक को है ना, शायद मुझे लगता है ये कौन निकाला यहाँ पे ठीक है, तो एक ही अशुद्ध मुझे मिले यहाँ। उसके बाद है दसवां वाक्य हमारा, डॉक्टर महादेव साहा ने
बाजार से नए पुस्तक को खरीदा, शुद्ध करके लिखना है, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी, खरीदा नहीं खरीदी, ये ब्लू अक्षर में है, ये अशुद्धियां निकाली है हमने, तो शुद्ध करके लिखा है। 11 नंबर का वाक्य हमारा, लेखक गोवा को गए, उनकी साथ साडू साहब भी थे, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध करके लिखना है। लेखक गोवा गए, गोवे में गए, और उनके साथ उनके साडू साहब भी थे। लेखक गोवा गए और उनके साथ उनके साडू साहब भी थे। उसके बाद का वाक्य है 12 नंबर का, तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी, शुद्ध करके लिखना है। तिलक जी द्वारा एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार सही था। तेरह नंबर का वाक्य, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही है, शुद्ध करके लिखना है। रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी, रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही है। हेलो पूनम यादव बोलो, हेलो पूनम यादव। यस सर, सर 12 नंबर का और 11 नंबर का क्वेश्चन दिखाइए ना। 12 नंबर का और 11 नंबर का, एक मिनट। ये ना 12 और 11, ये देखो, लेखक गोवा को गए, उनके साथ साधु साहब भी थे, करके लेखक गोवा गए और उनके साथ उनके साधु साहब भी थे। ठीक है, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का वाक्य, बूढ़े लोग लड़के और कुछ स्त्रियों कुएं पर पानी भर रहे थे, ये आंसर में लिखना है शुद्ध करके। बूढ़े लोग, लोग नहीं, लोग कट हो जाएगा, यहाँ पे लोग है कट हो जाएगा, लोग कट हो जाएगा। लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रहे थे, दो शब्दें हमने निकाली है। और 6 वाक्य है, फटाफट लिखो आप, टाइम भी होता जा रहा है। चलो नेक्स्ट 15वां वाक्य, लड़का पिता जी और माँ बाजार हो गए, गई, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य हमें लिखना है, देखो पिता और जी अलग अलग लिखा है,
एक ही शब्द है, लड़का पिताजी और माँ बाजार गए, ठीक है, तीनों जन है ना, इसलिए गए, यहाँ पे गए लिखा है। पंद्रह वाक्य लिखो, उसके बाद है सोलहवा वाक्य हमारा। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, शुद्ध करके लिखना है, बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुआ, नहीं हुए, का के जगह के, हुआ का जगह हुए। सत्रहवा नंबर का वाक्य है, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई, शुद्ध करके लिखना है, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी के जगह बड़ा, मजा आई के जगह आया, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। अठारहवां वाक्य, सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया, शुद्ध करके लिखना है, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गया के जगह गए। अब बोलो शिल्पा, हेलो हेलो हेलो, आप बोलो शिल्पा, हेलो हेलो सर, हेलो सर, आप बोला, डू यू वांट टू वाइंड अप योर लेक्चर और यू वांट टू कंटिन्यू अगेन? हाँ मैडम, सर दोनों मिनट फक्त बंद, ओके ओके, बिकॉज़ 10:45 अनदर लेक्चर नो, हाँ 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 हाँ, दैट्स व्हाई। सुमित सर, शिल्पा मैम ला को-होस्ट करें। यस, नेक्स्ट वाक्य क्या प्लीज, एक पुनः सानिविस करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई, करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए, के जगह की आई के जगह आए। बीस नंबर का हमारा वाक्य है, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, सिद्ध करके लिखना है, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, ठीक है। इसके बाद का जो उपयुक्त लेखन है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, इसकी जो पीडीएफ है ये मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप वहां से ले लो, ठीक है। स्टॉप कर तो सर, नहीं आता, हेलो, ओके सर, फाइन, ओके, थैंक यू। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2।